नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मुख्यमंत्री ने डीटीपी योजना के तहत आज मुख्य वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। हमारे साथ कुछ वृद्धजन मौजूद हैं, हम इन लोगों से सीधे तौर पर जाना चाहेंगे। अभी आप आए थे यहाँ पे एलयूएल, काहे के लिए एलयूएल? वृद्धा पेंशन के लिए। वृद्धा पेंशन मिल गए ना? हाँ, कल कथिन की तोरा पासबुक पर चल गए। चल गए? हाँ, सुन लिए तो। कितना गए है? 800, 400, 400 दो महीना के। अब तो ठीक रहते ही? बहुत अच्छा कि कोई चीज का मोहताज ना रह, माने कि कोई बीमारी भी होती तो एगो टेबलेट भी खाम दिखवा ले ना। अब हाँ, अब तो बाल बच्चा भी अगर दिक्कत कर दी तो कार्रवाई होला है। हाँ तो ठीक है, काहे कि माय बाप के ना लगत है तो बूढ़ा बूढ़ी के ना लगत है तो का करना है। दुखे चाहे तकलीफे यही में साग सतुआ खा के जिंदगी कटबे। अब मुख्यमंत्री जी के का कहवा हूँ? बहुत अच्छा, धन्यवाद कि हमरा बना के गेल थी। आगे आगे भी कुछ कहल चाहब मुख्यमंत्री जी के? बहुत नाम, सब जगह पर नाम चल जाते। काका कहल थी आपके? हाँ, सब बात बोल थी, दुख के, बाल बच्चा के, सब चीज के, सब चीज के बोल थी। अच्छा, सीधे तौर पे बाल मतलब ये काफी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी हैं। अभी आप यहाँ आए हैं जी, ये क्या कार्यक्रम में आप शरीक हुए हैं? हम तो वृद्धा पेंशन के कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। कैसा लगा इस कार्यक्रम में? बहुत अच्छी है, जो है प्रोग्राम बना है बहुत अच्छा बना है। किस तरीके का ये योजना दिखा? बहुत अच्छी योजना है। मतलब आप इससे क्या सीख लेकर अभी यहाँ से जा रहे हैं और क्या समाज में लोगों को बताएं? बस समाज में यही बताए हैं कि जो भी यहाँ वृद्धा हो वो अपना जो भी काम करता हो अपना कर लीजिए, और करने के बाद जो नीति जी बताएं ना वो कीजिए, और उसके बाद बाल बच्चों को किस तरह से रखना है, कैसे बाल बच्चा कर रहा है उसी हिसाब से काम करना है। तो अब तो बाल बच्चा भी परेशान ना कर सकले है? ना करते, वो बात तो है, लेकिन यही है कि गार्जियन को भी चाहिए कि अपना कमर मजबूत करके रखना है। ये ऐसा ना कि सब दे दे बाल बच्चा को। अब अगर बाल बच्चा परेशान करते ही तो हमें कार्रवाई कर ला मुख्यमंत्री जी? हाँ, एकदम जरूरी है। और भी लोगों के बताइए? एकदम बताएंगे। कैसा लगा ये योजना जो है? योजना बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद उनको देना चाहते हैं। उस दिन नंद किशोर जी सबको माल ऐसी पहनाए, आज नीतीश जी पहनाए जिस समय आए हुए थे वो रविशंकर जी। हम लोग तो आज से नहीं समझे, जब से दिया चाहते हैं उस समय से पोलिंग एजेंट है। निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को बहुत शुभकामना देते दिखाई दे रहे हैं। हमारे से कुछ और भी लोग हैं। अभी आप जिस कार्यक्रम में आए हैं ये किस तरीके का कार्यक्रम लगा आप जो? हमको तो बहुत अच्छा लगा। क्या क्या बोले नीतीश जी? नीतीश जी बोले वृद्धा पेंशन को इससे किया जाएगा और फिर लड़की लोग को ध्यान दिया जाएगा। सबसे बढ़िया क्या लग रही? हमको तो सबसे बढ़िया लड़की वाला लग रहा। अपनाहू लगी अब हर महीना में 400 रुपया जते? हाँ, हम लोग को तो वृद्धा पेंशन मिलेगा, कहबे किए हैं। अब तो कोई दिक्कत ना हो के चाहिए? ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी के क्या कहल चाहे? हम लोग तो अच्छी देंगे, बधाइए देंगे। हम लोग को 400 रुपया मिलेगा तो कौन काट रहा है? अब तो मतलब पोता पोती भी अपने से खुश रहते? हाँ, पोता पोती भी खुश रहेगा, नाती भी खुश रहते? हाँ, नाती भी खुश रहते। तो निश्चित तौर पे ये बधाई देते हैं। अभी जो जिस योजना के लाभ लेने के लिए अभी जो आए हैं और जो मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है, कैसा योजना है? ना ठीक है, मैं बुझा बाबू, ये तो बहुत बढ़िया की बात है, खुशी की बात है कि बिना कमाईले कैसे होगा भाई। चलो। तो सीधे तौर पे ये एक और महिला हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। अभी जो आयल हूँ है यहाँ पे, कौन सी लगी आयल हूँ? ये वृद्धा पेंशन ला मिल गई ना? हाँ, मिल गई। तो अब मुख्यमंत्री जी के क्या कहल चाहब? धन्यवाद कहेंगे मुख्यमंत्री को। काका यहाँ कहल थी मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री कहल थी हम लोग के हर एक महीना में 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल जाते, अब बेटी लोग के पढ़ाई लिखाई के पैसा। तब तो निश्चिंत हो गए? अब बेटन लोग हम लोग के नहीं करेंगे तो ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो बेटा करा है कि ना करा? करते ना, अभी तो बेटा हमारे कब्जा में है, अभी तो
अभी कब्जा से बाहर ना गली है अब मुख्यमंत्री जी के क्या कहोगे? बुद्धि खुलेगा ना, देखेंगे तो हम करेंगे कि बनवासी करेगा तो। अब मुख्यमंत्री जी को क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री तो जी ठीक बात बोले हैं, धन्यवाद देंगे कहेंगे उसको, आओ कहेंगे। तो निश्चित तौर पे ये जो योजना का शुभारंभ हुआ है, इस योजना में कहीं ना कहीं जो लाभुक हैं, खासकर जो आज सीएम संवाद में जिस कार्यक्रम में शरीक होने आए थे, उस कार्यक्रम में जो शरीक हुए हैं, उन लोगों ने सीधे तौर पे ये मुख्यमंत्री को बधाइयां देते दिख रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि अब जो है हम पहले जिस तरीके से हरास होते थे खासकर अपने बच्चों के द्वारा, वो चीज़ अब यहां होने से रहा। मुख्यमंत्री की इस पहल को कहीं ना कहीं जो वृद्ध हैं, जो हमारे समाज के जो यूं कहा जा सकता है जो हम जो दूसरे जो पायदान पे जो अंतिम पायदान पे हैं, वैसे लोग जो है कहीं ना कहीं इस जो योजना है, चाहे वो वृद्ध योजना हो या फिर लड़कियों के लिए जो योजना चलाए गए, तमाम योजनाओं को कहीं ना कहीं सराहते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अभी इस योजना का शुभारंभ किया गया है, लगभग 36 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। साथ ही आज जो ट्रांसफ़र हुआ है, लगभग 1,36,900 समथिंग के अंदाज में जो है आज सीधे तौर पे खाते में पैसा चला गया है, जो पूरे राज्य के जो भी वृद्धजन हैं उनके खाते में चले गए हैं। और भी जो आगे जो आने वाले हैं उसमें ऑनलाइन आवेदन और घर घर जाकर अधिकारी भी आवेदन को प्राप्त करेंगे। तमाम बिंदुओं के साथ आप मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारम्भ किया है। सहयोगी आकाश के साथ पटना से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए कुंदन।